हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, बस आपको शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स, वाकई में आपका सपना है अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना है, यूपीएसआई में जाना है, एसएससी जेडी, यानी तीनों के लिए ही, तीनों ही एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है, यदि 90 को 2:3 के अनुपात में दो भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक सवाल है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो को रोक कर खुद से करने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आता है तब आपको देखना है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे 90 रुपया है, आपको 2:3 में बांटना है, तो इसका मतलब देखिए टोटल आपके पास कितना है, टोटल आपके पास कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 90। मेरा 5 आया, क्वेश्चन में 90 दिया है, तो एक की वैल्यू निकाल देते हैं। एक की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी इसका मतलब एक की वैल्यू 18 आ गई। तो दोनों भागों का मान बताना है, तो 2 की वैल्यू चाहिए, 18 × 2 कितना हो जाएगा, 36, और 3 की भी वैल्यू चाहिए, 18 × 3 कितना हो जाएगा, 54। 36 और 54 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक सवाल था। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो ये भी सवाल बड़ा ही खूबसूरत है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक सवाल अपने आप में लाजवाब है, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है। अब ध्यान से फ्रेंड्स देखिए, एक स्कूल का बैग है और आपके पास शूज है, इनका रेशियो कितना है, 11:9 है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे जूते का मूल्य जैसे पूछा है, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटे, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। सबसे पहली प्रियोरिटी है फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शन से भी करने का प्रयास किया करें, जैसे पहला ऑप्शन कट गया, दूसरे की बात करें, देखिए फ्रेंड्स 5, 2, 7 दोनों ये हो सकता है, 5, 2, 7 ये 9 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा, 5, 2, 7, 1, 8 ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा भी। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखते ही कर लेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहां पे बात करते हैं, आप सभी लोगों से कह रहा है आपसे, स्कूल का जो बैग है वो कह रहा है जूते के मूल्य से 450 अधिक है, यहां पे देखिए फ्रेंड्स ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 450। अपने का कंपैरिजन क्वेश्चन से करिए, एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी एक की वैल्यू 225 आ गया, मुझे 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 × कितना कर देंगे, 225, यानी देखिए फ्रेंड्स 9 का मल्टीपल आया कि नहीं, 9 × 225 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 2025 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल फ्रेंड्स कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है, यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, और यहां पे नोट में दिया है कि स्कूल में केवल लड़के और क्या हैं, लड़कियां हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 11 और 7 को जोड़ दीजिए, 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18। मेरा 18 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 3420 दिया है। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे एक की वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज ये आप कर सकते हैं कि आपसे पूछा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, अब लड़कियों का देखिए जो रेशियो है वो कितना है, 11, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि फ्रेंड्स इवन प्लेस को जोड़िए, ऑड प्लेस को जोड़िए, और उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। अब देखिए यहाँ ऑड प्लेस को जोड़ रहा हूँ, 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9, 2, 11 ऑड प्लेस, इवन प्लेस 0 आ रहा है, 11 डिफरेंस आ रहा है, ये हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स 9, 2, 11 यहाँ आ गया 0, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर यहाँ बात करें तो ये ऑप्शन इलिमिनेट होगी, यानी 2 ऑप्शन में फ्रेंड्स यहाँ पे आप फंसेंगे। क्लियर है? लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अब चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग गेस भी कर सकते हो, लेकिन देखिए एक की वैल्यू निकाल देते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 18 × 9 = 18,
क्लियर है। तो अब देखिए 34 में से 18 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना बचेगा आपके पास, यहाँ 14 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना बचा आपके पास 2 में से 1 या 1, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 18 नवैया 162, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई फ्रेंड्स 190। लड़कियों की संख्या 11 है तो मुझे 11 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 11 गुणे कितना कर देंगे 190। इस बात का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो 11 गुणे 190 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए 0, 11 नवैया 99 की 9 कितना आ गया 9, 11 इकन्नम 11, 11 में 9 जोड़ देंगे कितना जाएगा 20, 20 90 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आप पहले ही गेस कर सकते थे कि फ्रेंड्स यही आंसर होगा क्योंकि 11 का मल्टीपल है, यहाँ वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही जबरदस्त है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि तीन संख्याओं का योग 135 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, कह रहा पहली और संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 4:5 है, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 5:6 है। अब देखिए फ्रेंड जो बीच में संख्या रहा करिए, सबसे शानदार ट्रिक है इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे रहा करे इधर कर लिया करिए। सबसे पहले रेशियो निकाल देते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ हर जगह 5 कट रहा है, कट कर लीजिए, आखिरी में अगर आप मल्टीप्लाई करते तो भी कट जाता, तो देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है, पूछा है पहली संख्या, यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 4 का मल्टीपल हो, 4 से ये कट रहा ये नहीं कट रहा, 4 से फ्रेंड्स ये भी कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा ये भी, 4 से ये कट रहा, यानी दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है, लेकिन चलिए पूरा कैलकुलेट करते हैं, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 की वैल्यू कितना आ गया 135, मेरा 15 आया क्वेश्चन में, 135 दिया है, 1 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स 15 9 135। क्लियर है, मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, 4 × 9 कर देंगे कितना आ जाएगा 36, यानी 36 ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स ये तरीका जरूर लगाया करिए, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, विद इन सेकंड आप सोच लेंगे कि कौन ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं, अगर दो ऑप्शन मैच किए तो लगाना है, हो सकता है कि तीनों इलिमिनेट हो जाए तो आपका समय बच जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सेम उसी टाइप का अगला सवाल ये भी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है गीता और राधा के पास, देखिए कौन है फ्रेंड्स, गीता है और कौन है राधा, इनके पास कह रहा है जो रेशियो है रुपयों का कितना है 7:15, तथा कह रहा है राधा और कौन है सविता, राधा और सविता के पास कितना है फ्रेंड्स 7:16 है, यदि कह रहा है गीता के पास 980 रुपए है, गीता के पास 980 है तो सविता के पास कितने रुपए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले रेशियो निकाल लो, 15 यहाँ पे है यहाँ बढ़ा लो, 7 यहाँ पे है तो यहाँ बढ़ा लो, देखिए फ्रेंड्स तीनों में कोई चीज कट तो नहीं रही है, नहीं कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15 × 7 = 105, और 15 × 16 करेंगे, देखिए फ्रेंड्स 15 × 15 हमें 225, 225 में 15 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 240। क्लियर है, अब देखिए फ्रेंड्स इतना आ गया, कह रहा है आपसे कह रहा है कि गीता के पास 980 है, मेरा 49 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 980, तो 49 × 98 होता है, यानी ये कितने गुना है 20 गुना है। आपसे पूछा है सविता के पास कितने होंगे, तो सविता का के पास भी 240 का 20 गुना कर देंगे, 24 × 2 = 48, 2 0 बचा लगा दीजिए, 4800 रुपए ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बड़ा ही शानदार सवाल था और हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, क्वेश्चन कह रहा है यदि पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स जैसे हम बात करें ये पिज्जा है, उसके बाद आपसे कह रहा है पिज्जा के लिए चीज और क्या है सॉस है, तो इसका जो रेशियो है वो कितना है 1:1/2 है, यही है, अगर इसको थोड़ा सा हम इधर कर दें तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2:1, उसका आधा ही तो है फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सास का इस्तेमाल किया, तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल किया, यही आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स उसने जो है कह रहा है कि एक निश्चित संख्या बनाने के लिए 15 कप सास, यानी 1 की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 15 दिया है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये कितने गुना है 15 गुना है, तो कह रहा है उसने उस पिज्जा पर
कितने कप चीज बनाने का इस्तेमाल किया, तो 2 का भी 15 गुना कर दीजिए, तो इसका मतलब कितना किया होगा, 30 30 किया होगा फ्रेंड्स, यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बात का ये भी ध्यान देना फ्रेंड्स, हमेशा मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जो रिसेंट आपके पेपर में पूछे गए हों। ये भी सवाल बड़ा अच्छा है, 1900 को कह रहा है 4 लड़कों 5 लड़कियों और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक लड़के एक लड़की और एक महिला के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है, तो एक लड़की का हिस्सा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक काम यह भी करना है कि क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोककर खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। अब एक लड़की का हिस्सा पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स एक तरीका यह है, अगर हम आपसे बात करें कि जैसे एक बॉयस है, गर्ल्स हैं और महिला है, इनका जो रेशियो दिया है 9:8:4, अब ऑप्शन वही सही होगा जो 8 से कटे। इसको चेक करते हैं, 8 7 56, 4 5 8 6 48 ये भी हो सकता है। इसको चेक करेंगे, 8 1 8, 8 9 72 ये भी हो सकता है। इसको चेक करेंगे, ये भी हो सकता है। इसको चेक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, 8 2 16, 8 3 24, 8 2 64 ये भी हो सकता है, यानी सारे ही ऑप्शन 8 से कट रहे हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के हैं तो इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 4 9 36, यही तो है। देखिए फ्रेंड्स टोटल कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद 8, अब देखिए लड़कियां कितनी है, 5, तो ×5 कर दो, 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे देखिए 6 महिलाएं हैं तो 6 4 24। अब टोटल इसको अगर हम ऐड कर दें तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 36 और 24 को पहले जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 60, 60 40 कितना हो जाएगा, 100। मेरा 100 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 1901 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 19। आपसे पूछा फ्रेंड्स एक लड़की का हिस्सा, तो एक लड़की का हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 की वैल्यू चाहिए, तो 19, 8 की वैल्यू चाहिए तो 19 × कितना कर देंगे, 8, 19 8 कितना हो जाएगा, 152, यानी 152 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैक और जान के धन का अनुपात 7:13 है और जान और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है, यदि जैक के पास 6300 रुपए हो तो जोनास के पास कितना धन है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस टाइप का सवाल करा चुका हूं, तो इसको आप लोग खुद से करना। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे डाल देता हूं जो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को खुद से करने होते हैं, तो इसको आप लोग खुद से करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा किसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क था और इसको आप सभी लोगों को खुद से करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली बात समझिए कि आपको कहां डाउट आ रहा है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि फ्रेंड्स मैं हमेशा एक ही टाइप के सवाल ले आता हूं, जो नए बच्चे हैं या आप सभी लोग अपने डाउट इस नंबर पे भेज सकते हैं फ्रेंड्स, जिस पे मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।